तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम सबका बीबीए का और एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा जो मैच है वो होने जाने वाला है मेलबर्न स्टार एंड सिडनी सिक्सर के बीच में। तो गाइस, ये रहा दोनों ही टीम का लाइनअप जो तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बाकी अगर कोई और ये रहा पिच देख के तो बहुत ही शानदार लग रहा है। टॉस टाइम, तो हमने रूप चुना है टॉसिंग के लिए और यहाँ पे रूप गिरता हुआ भाई टॉस जीत गए। मैक्सवेल भैया टॉस जीत गए और हमने बैटिंग चूज कर लिया टॉस जीतने के बाद। मेरे हिसाब से एक बढ़िया डिसीजन होगा क्योंकि मेरे को बैटिंग करना जो है पसंद है बहुत ही ज्यादा। और क्रिकेट 24 का ये नया डायमेंशन जो शानदार दिखता हुआ भाई। पहला ओवर स्पिनर आया था क्या ये बल्लेबाज कैप पहन के क्यों जा रहा है भाई? पहली ओवर स्पिनर से शुरुआत करवाया है सिडनी सिक्सर ने। मर्फी भाई आया बॉलिंग करने, सीधा खेला तो है लेकिन सीधा मर्फी भाई के हाथों के अंदर। मर्फी का ये सेकंड डिलीवरी जो हमने कवर के साइड में खेला तो है, बस बहुत ज्यादा रिस्क सिग्नल मिलेगा भाई। जान मान जान बची सो लाखों पाए। लड़के लेग साइड में है उसका पूरा फायदा उठाऊंगा। चौका भाई फ्लिक शॉट के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया लड़के ने अपनी पहली गेंद पर। तीन गेंदों में 5 रन, ओवर का शुरुआत तो बहुत बेहतरीन हो चुका है। चौथी गेंद फ्लिक करके आराम से सिंगल हमने निकाल दिया। 6 रन 5 गेंदों पर और आखिरी बॉल इस ओवर का। देखते हो अगर स्लॉट में आया तो बाउंड्री मारने की कोशिश करूंगा मैं और उठा के मार रहा है 6 रन के लिए ब्रो। यही तो चाहिए यार, चौका है क्या? मैं तो करेक्शन देख के लगा कि 6 जाएगा। कोई ना, पहले ओवर में 10 रन, बहुत ही शानदार शुरुआत। अबाउट आए थे उसको पहली गेंद पे हमने चौका जड़ के वेलकम कर दिया भाई को। लेग साइड में बहुत ही शानदार फ्लिक और अनदर फ्लिक, लेकिन इस बार फील्डर है तो हमको बस सिंगल ही मिलेगा। लास्ट बॉल दूसरे ओवर का कवर के ऊपर से उठा के मारा है, फिर से इस बार भी चौका ही मिलेगा। 1 बाउंस बाउंड्री है बाहर, 4 रन 2 ओवर के बाद 21 पे 0। क्या शुरुआत हुआ है भाई, 2 ओवर में 21 रन, सिंगल मिल जाएगा। खेलना तो हम गैप पे जाते थे लेकिन गैप पे गया नहीं है बॉल। 2 ओवर 3 बॉल के बाद 24 पे 0 है अभी तक। ओवर में बस 3 ही सिंगल आए। एक बाउंड्री मारने की कोशिश करते हैं हम जो कि फिर से कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट होता तो शायद चौका मिलता हमें। 4 गेंदों में 4 सिंगल भाई। पहले 2 ओवर बढ़िया जाने के बाद ये ओवर थोड़ा सा खराब जा रहे हैं अभी तक, लेकिन इस बार पूरा फायदा उठाऊंगा। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट चौके के लिए लॉन्ग ऑफ के साइड पर। यही तो चाहिए था हमें। आखिरी बॉल इस ओवर का फिर से उठा के मार रहा है, फिर से चौका। तो एंड में ये ओवर भी बहुत बेहतरीन आ गया है भाई, क्योंकि पहले तो 5 सिंगल उसके बाद 2 चौके, विकेट गिर गया। बातों में विकेट गिर गया। पोलिंग खेलना चाहता तो सीधा उड़ता हुआ फील्डर ब्रो। पहला झटका लग चुका है मेलबोर्न स्टार्स को। खेलना तो हम पुल चाहते थे फील्डर को सर के ऊपर से, लेकिन फील्डर ने कैच ले लिया। लड़किन भाई आउट 16 रन बना के 9 गेंदों में। नंबर 3 पे हमारे मैक्सी भाई आ रहे बैटिंग करने। मैक्सी भाई टीके रहे तो मैक्सी भाई अकेले खुद के दम पे मैच को जिता सकते हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो 200 रन की बारी याद ही तो होगा तुम लोगों को भाई। बाल बाल बचे पहली गेंद पे टाटा भाई भाई हो जाता मैक्सवेल भाई का। इस बार तो उठा के मारूंगा, इस बार कौन रोकेगा। 4 रन ब्रो, एक बार रोक दिया तो मतलब हर बार थोड़ी रोक पाओगे। ये भी गैप में है अनदर 4, नहीं पीछे फील्डर दौड़ तो रहा है। 2 रन तो मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से 2 रन तो मिलता हुआ हमें यहाँ पर। वैसे गाइस, अगर अभी तक तुमको गेम प्ले पसंद आ रहे हैं और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो। अगर नए हो चैनल में, पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो, तो सब्सक्राइब भी कर दो। नीचे तुमको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो ताकि तुम्हारे भाई का भी हेल्प हो जाए। लगातार 2 छक्के भाई 2 गेंदों में। जब तक मैं प्रमोशन कर रहा था तब तक 2 छक्के लग चुके हैं।
इस बार बैकफुट पंच भले गैप में नहीं गया लेकिन सिंगल जरूर मिल जाएगा। 5 ओवर 2 बॉल के बाद 57 पे 1 है, बेहतरीन फ्लिक, अनदर 6। मैक्सवेल भाई अलग ही फॉर्म में, 10 गेंदों में 24, 240 का स्ट्राइक रेट। सेकंड 6 कंटिन्यूअसली 2 छक्के, क्या हैट्रिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ब्रो, क्यों नहीं हो सकता। हैट्रिक ऑफ 6 फॉर्म मैक्सवेल, इस बार भी फ्लिक है, चौका जाने का पूरा चांस है भाई, बेहतरीन ओवर। 3 छक्के 1 चौका 2 सिंगल, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, शायद से फील्डर के नहीं गैप निकल गया, क्या बात है भाई। मुझे लगा कि फील्डर का हाथ बना चला जाए ये बॉल, इस बार भी है उठा के मारने की कोशिश, इस बार भी मेरी थी, इस बार शायद से फील्डर पकड़ लेगा। कोई ना, दूसरा झटका भले ही लग चुका है लेकिन बहुत सारे रन हमने बना लिए पावर प्ले के अंदर। 16 गेंदों में 24 रन बना के हर पर भाई वापस जाते हुए टॉइनिस आए बैटिंग करने एट नंबर 4। ठीक है भाई, टॉइनिस भाई सिंगल के साथ अपने इनिंग्स की शुरुआत कर दिया आते संगी। अरे नहीं, मैक्सवेल भाई था क्या? कोई ना, ठीक है भाई, मैं पर तक खेलना चाहता था थर्ड मैन की दिशा में, इनसाइड एज कनेक्ट हुआ और सीधा विकेट कीपर, तो कोई गलती करेगा नहीं ब्रो। हैरी ब्रुक एट नंबर 5, हैरी ब्रुक भाई साहब तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, पुल अवे सिंगल मिलेगा क्योंकि पीछे फील्डर है। और मैक्सवेल भाई हमारे 42 पे पहुंच चुके हैं, इस बार भी सिंगल मिलेगा क्योंकि पीछे इस बार भी फील्डर है। तो ओवर में अभी तक 3 सिंगल, ये उठा के तो मारा है, फील्डर भी है उस साइड में, चौका है भाई। चलो हर बार सिंगल थोड़ी लूंगा, अरे ये तो बाल बाल बच गए, कोई ना लक का साथ मिला है हमें, ये तो चौका है। जब सर्कल के अंदर हो थर्ड मैन का फील्डर, बस उसको छकाना चाहिए। पुल द वे फाइन खेला है, क्या चौका मिलेगा? पीछे फील्डर दौड़ रहे, 2 रन तो आराम से मिल जाएगा, चौका नहीं मिला लेकिन 2 रन मिल गए। हैरी ब्रो 10 बॉल पे 10 रन, मैक्सवेल भाई के सिंगल के साथ 50 रन कंप्लीट होता हुआ, एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स ब्रो। 22 गेंदों में अपना 50 कंप्लीट कर दिया मैक्सवेल ने, 227 का स्ट्राइक रेट, इसे कहते कप्तानी इनिंग्स, क्या इनिंग्स खेला है भाई ने। फिर से सिंगल, इस बार लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ के आ रहे थे, 2 भाग लो भाई। स्पिनर कोई ना, स्पिनर है तो फायदा उठाओ, फ्लिक मार के चौका जड़ो, लेट्स गो। मैक्सवेल ऑन फायर ब्रो, गैप पे तो है लेकिन पीछे फील्डर है, तो हमको मिलेगा बस सिंगल ही। 11 ओवर के बाद 115 पे 3 और अनदर 4 यहाँ पर, इस बार शायद से हैरी ब्रोक के बल्ले से निकला है। यस, ये चौका हैरी ब्रोक के बल्ले से, इस बार स्ट्रेट राइट सीधा खेला है भाई, ये शॉट देखकर तेंदुलकर सर की याद आ गई, 2 रन मिल गए, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला गया शॉट था। फिर फ्लिक, लेकिन इस बार हम छका भाई पीछे के फील्डर को, भाई हाथ में कैच चला गया, एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के मैक्सवेल वापस जाते हुए, कोई ना अपना काम करके वापस जा रहे हैं, मैक्सवेल कप्तान इनिंग्स खेल के वापस जा रहे हैं, कोई दुख नहीं है। तो भाई फील्डर ने क्या कैच पकड़ा है, 29 बॉल में 58 रन बना के 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना के वापस जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में बॉल है, फ्लिक करो, चौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, फील्डर बहुत ज्यादा दूर है, अरे पकड़ लिया क्या भाई, मैं तो चौका समझ लिया था। कोई ना, इस बार तो मिलेगा ना, इस बार तो फ्लिक करो और भी ज्यादा फाइन है, इस बार तो मिलेगा चौका भाई। ऑफ साइड में बॉल, स्पिनर का बॉल, अरे छका नहीं भाई, हम छकाना चाहिए था सर्कल के फील्डर के सर के ऊपर से, 5वां विकेट गिर गया भाई 134 पे। ये फ्लिक भी बढ़िया है, सिंगल बहुत आसानी से मिल जाएगा, 14 ओवर के बाद 135 पे 5, बेहतरीन पुल, लेकिन शायद से क्लियर नहीं हो पाया, ओ क्लियर हो गया, क्या बात है ब्रो, लग तो है हमारे साथ, एक टाइप लगा कि क्लियर नहीं होगा पीछे की साइड में। ये फ्लिक, बेहतरीन फ्लिक, चौका भाई, कौन लेगा कैच, Another 4,
कवर में खेला है, पीछे फील्डर है, सिंगल हम आराम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी ऑफसाइड बॉलिंग, चलो इस बार तो उठाया है और गैप में भी है, चौका तो बनता है ब्रो, है नहीं ब्रो, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहे हैं, जो चाहिए मेलबर्न स्टार को कि एक बंदा मार के खेले और दूसरे बंदा एंकर करे। लास्ट टू बॉल इस ओवर का, इस बार भी चौका है, क्या बात है, ओके एफ का पूरा फायदा उठाते हुए पे, इस बार वेबस्टर ने मारा था चौका, भाई शॉट तो है भाई, कुछ भी बोलो शॉट तो, ये वाला जब सर्कल के अंदर थर्ड मैन हो तो फायदा उठा उसके। भाई हमने पावर सर्च ले लिया है क्योंकि अभी थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, 16 ओवर के बाद 153 पे 5 है, दो ओवर में मिनिमम 30 रन तो बनाने हैं पावर सर्च के, दो ओवर में फर्स्ट बॉल पे सिंगल, दूसरे बॉल पे चौका, फुल शॉट खेल के तो दो गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। तीसरा गेंद सीधा हाथ में दे दिया यार, ये नहीं होना था, वेबस्टर 10 गेंदों में 10 रन बना के वापस जा रहे हैं। नेथन कोल्टन आयन भाई बॉलर है लेकिन मार सकते हैं, पीछे फील्डर तो सिंगल हमें मिल गया, एक टाइम पे लगा था सीधा हाथ में ना कैच चला जाए, नेथन कोल्टन आयन ये शॉट बेहतरीन है, 6 मिलेगा भाई, हैप्पी ब्रो ऑन फायर, 28 गेंदों में 35, हैरी ब्रोक भाई क्या मार रहे हो, ऐसे ही मारते रहो, इस बार भी उठा के मार रहे, क्या गैप में है, ओ भाई गैप में है, चौका तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, दो लेने की कोशिश करते हैं, अरे 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 क्या बात है, कितने पैसे खिलाए थे मैंने, मैं खुद भूल गया, फील्डर ने तो ऐसे ही चौका कर दिया, ये भी चौका है, लेट्स गो, 8 रन, 9 रन आ चुके, गैप में तो है, बहुत रिस्की रन है ये, मिल गया 10 रन, अभी भी आखिरी दो गेंदे इस ओवर की, ये भी इस पे 6 है, 16 रन, लास्ट बॉल बाकी है, 16 रन आ चुके हैं, बला ठीक है भाई, फ्लिक खेलो, सिंगल निकालो, रिस्की है पता है, लेकिन सिंगल निकलेगा भाई, मेरे फ्लिक क्या चौका जाएगा इस बार, क्योंकि बॉल में गति तो है, मिल गया ब्रो चौका, मिल गया, चाहिए था जो चीज वो मिल चुका है, अरे यार फ्लिक कर देता तो भाई रन मिल जाता, कोई ना लिख भाई का रन भाग लेंगे, फिर फ्लिक इस बार बहुत बढ़िया कनेक्शन, 6 जाएगा भाई, क्या इनिंग्स खेल रहे हैं, अरे ब्रो भी बेहतरीन, 34 गेंदों में 64 रन पे खेल रहे हैं भाई, अनदर सिक्स, लास्ट ओवर है और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, 50 रन का पार्टनरशिप भी हो गया इन दोनों के बीच में, इस बार फाइन खेला है और हाथ में खेल बैठे, यही तो नहीं चाहिए था, उठा के मारना था भाई, हाथ में नहीं खेलना था, कोई ना चलो ना, काम तो करके गए जो काम करना चाहिए था, हैरी ब्रोक को भाई बहुत बढ़िया रन बना के गया, हैरी ब्रोक ओवर का लास्ट बॉल था तो हमने फ्लिक करके चौका जड़ दिया है, 20 ओवर के बाद 214 पे 7, 215 का टारगेट खराब नहीं है भाई, डिफेंड करना है हमें, 215 का टारगेट बीपीएल में बिल्कुल खराब नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो मैदान होते हैं सब बड़े बड़े मैदान होते हैं, और उस बड़े मैदान पे 214 रन बनाना कोई इजी बात होगा नहीं। नेथन कोल्टन आयन पहला ओवर, भाई पहली गेंद पर सिंगल पड़ गया, सिंगल के साथ ओवर का शुरुआत, नेथन कोल्टन आयन का दूसरा बॉल इस बार, ठीक है भाई गैप में मार दोगे तुम ऐसे, कोई ना चलो तुम मारो मैं क्या ही करूं, दो भाग लिए भाई गैप में मारकर, तीसरी गेंद कट तो खेला है भाई, रोक देना बस, चौका बचा लेना, ओ भाई सिंगल लिया, मैं होता तो अभी तक दो ले लेता, कोई हमारे लिए तो अच्छा ही है, एरिस रॉक सेकंड ओवर बॉलिंग करने आए भाई, एरिस रॉक के ओवर का भी शुरुआत सिंगल के साथ ही हुआ है भाई, मिसफील्ड ऊपर से लो भाई, मैंने सोचा सिंगल के साथ हुआ है, डबल ले लिया मिसफील्ड के चलते, कोई ना फेयर प्ले इस बार लेग साइड में, रोक देना बहुत स्लो है बॉल, ये इस बॉल पे चौका नहीं जाना चाहिए, इससे दो भाग लिए,
आखिरी बॉल भाई, इस बार तो चौका जाएगा, इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा सा महंगा जाते हुए हैरी श्रॉफ जो है थर्ड ओवर में मार्कस स्टॉइनिस को लेके आए और भाई पहली गेंद पे मार्कस स्टॉइनिस ने चौका खा लिया है। फिर फ्लिक और फिर चौका पड़ गया ब्रो। स्टॉइनिस भाई तुम्हें विकेट लेने के लिए ले आया था मैं, तुम रन खा रहे हो। तीसरे गेंद आउटसाइड एज पे चौका, मानता हूँ इसमें बॉलर की कोई गलती था नहीं नेथन गोल्डन लायन के, लेकिन चौका तो पड़ गया ना भाई। ये देखो योर कट डालने की कोशिश थी हमारे, उसमें भी चौका पड़ गया। विकेट चाहिए इस टाइम पे, विकेट चाहिए, इसलिए मैं स्पिनर को लेके आया हूँ, क्योंकि चार ओवर हो चुका है, पावर प्ले खत्म हो चुका है। बीबीएल का पहले चार ओवर ही पावर प्ले होता है। ठीक है भाई, बेहतरीन बॉलिंग मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और बहुत बढ़िया ओवर निकला है। ओवर में सिर्फ एक ही रन आए पिछले ओवर में, इस बार मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ठीक है सिंगल के साथ होगी, ओवर की शुरुआत हुआ है भाई। चौका छक्का ना पड़ जाए, गोली रात और पड़ भी गया, टेप आउट करके कवर को फिर से छक्का जड़ दिया बेंस ने। मैक्सी भाई ऐसे छक्के मत खाओ, विकेट निकालो, छक्के खाने से कैसे चलेगा ब्रो। फिर स्टेप आउट, रूम बनाया, चौका जड़ दिया। हेलो भाई, 50 रन की पार्टनरशिप भी जड़ दी इन दोनों ने मिलकर। ये ओवर के बाद 50 पे जीरो भाई, इस ओवर में विकेट चाहिए मेरे को, कुछ पता नहीं है। अबे में बॉल तो है लेकिन नो मैन्स लैंड पे गिरा और सिंगल ले लिया बंदे ने। आखिरी बॉल ओवर का, ये ओवर अच्छा गया और विकेट भी मिला है। जाते जाते लेट्स गो, पहला ब्रेक थ्रू ब्रो, यही तो चाहिए ब्रो, ब्रेक थ्रू चाहिए था, बहुत टाइम से विकेट मिला नहीं था हमें और ब्रेक थ्रू मिला है इस बार। क्या स्टंपिंग थी ब्रो, ये अनह्यूमन जैसी कुछ बिहेव कर दिया, लेकिन विकेट तो विकेट होता है, कैचे से भी मिले, क्या स्टंपिंग था ये ब्रो। 27 गेंदों में 31 रन बना के जोस भाई वापस जा रहे, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। डेनियल भाई आए बैटिंग करने, वो भाई आउटसाइड एज कनेक्ट हो गया था। लेट्स गो बे, एक इस बार भी भाई बॉलिंग ठीक है भाई, दो लगातार एज भाई, क्या मेरे को स्लिप लगा देना चाहिए यहाँ पर, कि दो कंटिन्यूअसली एज लगाए मैक्सवेल के बॉलिंग में, क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें एज लगाना चाहिए। बेहतरीन बिट भाई, पड़ी नहीं भाई बैट्समैन बॉल को, ये कवर में चढ़ा तो है लेकिन फील्डर है, दिक्कत नहीं होगा। नाइस फील्डिंग, भले ही दो रन ले लिए। अरे फील्डर है लेकिन वन पहुंच गया है ब्रो, थोड़ा और गति अगर होता, अरे इतना भी गति नहीं चाहिए था कि छेद लग जाए भाई। फील्डर कैच लेके बाउंड्री के बाहर चला गया। स्टॉइनिस भाई हमारे बेहतरीन बॉलिंग करते हुए, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। फ्लिक द वे, पीछे फील्डर तो है लेकिन वही रोक नहीं पाएंगे। बॉल कर दी, ओ भाई ठीक है, विकेट मिला ब्रो, विकेट नंबर 2, ये था इस टाइम पर विकेट। अगर मेलबर्न स्टार को ये मैच जीतना है तो ऐसे विकेट निकालने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। भाई फील्डर है, सिंगल से ज्यादा मिलेगा भी नहीं और मिलना भी नहीं चाहिए। नाइस फील्डिंग, आखिरी बॉल मेरे का, बॉल ब्रो इनसाइड एज सीधा विकेट पर, यही तो चाहिए। बेहतरीन बॉलिंग मेरे के तरफ से, जाते जाते एक लास्ट विकेट भी मिला दिया। चार ओवर खत्म होता हुआ इसी के साथ मेरे का, 11 गेंदों में 10 रन बना के डेनियल भाई वापस गए। जॉर्डन भाई हमारे, नाइस बॉलिंग आउटसाइड एज, ऐसे एक दो आउटसाइड एज कीपर के ग्लव्स में भी चला जाए तो बेहतरीन होता है। इस बार गया तो था लेकिन उससे पहले बाउंस हो गया बॉल। आखिरी बॉल और बेहतरीन बीट करवाए यहाँ पे, चलो 41 बॉल में 128 डिफेंड करना है, ऐसे चौके नहीं खाना है, बाकी तो डिफेंड हो जाएगा, बाकी तो आराम से डिफेंड हो जाना चाहिए। 37 गेंदों में 120, क्या बोल रहा था मैं, 34 पे 117, बेहतरीन बॉलिंग, बॉलर की गलती नहीं है, आउटसाइड एज का चौका गया है भाई। हरी श्रॉफ को मैं इसके लिए गलती नहीं दे सकता,
अरे श्रॉफ की कोई गलती था नहीं इस चौके में, आउटसाइड एज का निकला है। इसमें बॉलर की जरूर गलती थी क्योंकि लाइन से भटके बॉलर। पैरिस पैरिस भाई हमारे बॉलिंग कर रहे हैं और बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। 27 गेंदों में 101, ये तो नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। अगर ये मैं डिफेंड नहीं कर पाया ना तो मेरे को गेम खेलना छोड़ देना चाहिए। 21 गेंदों में 99, बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे। नेथन कोल्टनायर शानदार बॉलिंग करते हुए अभी तक बेहतरीन स्पेल रहा है कोल्टनायर का, और ये भी बढ़िया एक शानदार ओवर की समाप्ति यहाँ पर। 18 गेंदों में 95 करके दिखाओ यार, 15 गेंदों में 95, वाह। हाँ जाने दो आउटसाइड एज का भी चौके, जाने दो दिक्कत नहीं है, जितने चौके जा रहे हैं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 गेंदों में 93, बेहतरीन बीट। लेट्स गो, दो ओवर बाकी है, 92 रन चाहिए अगर सिडनी सिक्सर को मैच जीतना है तो। अगर दो ओवर 12 के 12 गेंद में अगर छक्के भी जड़ दिए ना फिर भी नहीं होगा। 11 में 88 भाई, 9 गेंदों में 87, बेहतरीन बॉलिंग। डॉट तो करवा रहा है यहाँ पे बॉलर, बेहतरीन बॉलिंग करते हुए नेथन कोल्टनायर। कैच इट का कॉल, फील्डर भी है लेकिन वन बाउंस, थोड़ा सा पहले गिर गया बॉल। आखिरी ओवर आउटसाइड एज से शुरुआत इस ओवर का। 5 गेंद 3 गेंदों में 82 रन, क्या ये आउट है? मेरे हिसाब से तो थोड़ा पहले गिर गया बॉल। आखिरी बॉल, कोई लास्ट बॉल में भली चौका पड़ गया लेकिन मैच तो हम जीत गए बहुत ही आसानी से। लेट्स गो, 76 रन से मेलबर्न स्टार इस मैच को जीतता हुआ, और बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों की तरफ से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था मेलबर्न स्टार का। ये रहा एक समरी जो तुम खुद वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बाकी इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं तुमको और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय गाइस, चलो लेट्स गो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now.